हाथरस भगदड़ कांड वाले बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। 121 मौत के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल कैमरे पर सामने आए। बहुत कुछ बताया लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसने छिपाया। हालांकि जांच एजेंसीज ने 100 सवालों की एक लिस्ट तैयार की हुई है जिसका जवाब सिर्फ बाबा सूरजपाल के पास है। लेकिन एक साइलेंट गवाह ऐसा भी है जिसके पास बाबा के हर सवाल का जवाब मौजूद है, जहां मौजूद है बाबा की हर मिस्ट्री और उससे जुड़ा हुआ रहस्य। वो है एक आश्रम, बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का आश्रम। हिंदुस्तान को झकझोर देने वाले भगदड़ कांड के 90 घंटे बाद बाबा सूरजपाल तो मीडिया के सामने आ गया, लेकिन इस बाबा की सल्तनत और साम्राज्य का तिलिस्म कायम है। और कायम है वो सवाल जो बाबा को चमत्कारी मानने वालों के जहन में है और बाबा को ढोंगी कहने वालों के मन में भी। सूरज की रोशनी से छिपकर सूरजपाल कहां अंडरग्राउंड है? सबसे बड़े सूबे की पुलिस के हाथ हाथरस कांड वाले बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? और अब किस आश्रम की तरफ कूच करने वाला है ये बाबा? अगला सेफ हाउस कहां है? कौन सा सेवादार बाबा का कवच बनकर 24 घंटे एक्टिव है? आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सड़क से लेकर आसमान तक बाबा और उसके साम्राज्य को तीसरी आंख खोजेगी और जो कुछ भी आसमानी कैमरे में कैप्चर होगा वो सब एबीपी न्यूज पर दिखेगा। पहली बार कई जिलों में बाबा के आश्रम का हवाई सर्च ऑपरेशन टेलीकास्ट होने जा रहा है। पहली बार बाबा के भक्तों से लेकर सेवादारों की ब्रेन मैपिंग का ट्रेलर टेलीकास्ट होने जा रहा है। और टेलीकास्ट होने जा रहा है बाबा के तिलिस्म का वो अनसुना और अनदेखा अध्याय जिसका एक एक फ्रेम आश्रम का रहस्य लोक है, बाबा की मायावी दुनिया का सस्पेंस है और भक्तों के लिए आश्चर्य और अजूबे का संसार है। अगले 20 मिनट देखिए एबीपी न्यूज पर आस्था और अंधविश्वास के बीच करोड़ों अरबों की सल्तनत का प्रतिबिंब, वो जगह जहां बाबा सूरजपाल के सबसे डार्क सीक्रेट कैद हैं, वो जगह जहां एक इंसान के भगवान होने के पाखंड का सबूत छिपा है, वो जगह जिसे कहते हैं आश्रम। क्या किसी को भगवान समझ लेने की गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है? एक बाबा जो ये दावा करता है कि वो अपने भक्तों से कोई दान दक्षिणा नहीं लेता है, आखिर उसका साम्राज्य का विस्तार करोड़ों अरबों तक कैसे फैला? देखिए, मुंबई के मरीन ड्राइव में हमारे विश्व विजेताओं का स्वागत करने के लिए जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी उससे कहीं ज्यादा जमावड़ा बाबा के आश्रम के बाहर लगता है बाबा को देखने के लिए। तो आस्था और अंधविश्वास का ये सिस्टम बाबा ने कैसे बनाया? बाबा कहाँ है, कौन से आश्रम में छिपा हुआ है? एबीपी न्यूज के कैमरे ने यही तलाशने की कोशिश की है और हमारी स्पेशल सीरीज आश्रम का पहला अध्याय देखिए तहकीकात। दो जुलाई की दोपहर हाथरस के जिस गांव में भगदड़ मची वहां से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है संभल। एबीपी न्यूज की टीम को पता चला कि संभल में सूरजपाल और भोले बाबा का एक आलिशान आश्रम है। ये भी पता चला कि आश्रम के आसपास बाबा सूरजपाल के खासम खास भक्तों का ईंट भट्ठे का मोटा कारोबार भी फल फूल रहा है। तो क्या भगदड़ कांड के बाद सूरजपाल अपने काफिले के साथ संभल भागा? क्या बाबा सूरजपाल अपने ईंट भट्ठे वाले सेवादारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं? अगर हाँ तो आसमानी आंख से बाबा सूरजपाल बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आश्रम का चप्पा चप्पा
आज आसमान से खंगाला जाएगा। कहीं भी कोई भी हलचल दिखी, गाड़ियों की मूवमेंट दिखी, तो वीडियो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। संभल के आश्रम से जुड़ी मिस्ट्री डिकोड करने और बाबा सूरजपाल की तलाश में हम पहुंच गए संभल चंदौसी मार्ग। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में हैं और संभल जनपद में ये संभल चंदौसी मार्ग पर एक आश्रम बना हुआ है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। यहाँ पर कुछ सेवादार जो हैं वो भी रहते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो आश्रम है एक आलीशान महल की तरह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है ये, और यहाँ पर सेवादार भी हैं। बाबा सूरजपाल की महिमा का ये ट्रेलर हमें चौंकाने के लिए काफी था। नाम रखा है प्रवास कुटिया और इमारत बनाई है इतनी आलीशान कि दिल्ली एनसीआर के धन कुबेर भी आंखें फाड़ कर देखें। बाबा के आश्रम के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि इस चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है। एबीपी रिपोर्टर उबैदुर रहमान ने आश्रम का ड्रोन से मुआयना करने से पहले अपनी तहकीकात शुरू की। आश्रम के 3 गेट हैं, मुख्य द्वार बीच वाला है, 2 दाएं बाएं में हैं, अभी इनमें ताला लगा हुआ है। और इस साइड के रास्ते का ये लोग सेवादार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर आश्रम की गैलरी है, सेटबैक है, जहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी संभल के नाम से जो है वो साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ लिखे हुए हैं। और ये आश्रम का जो है साइड है, उसके अलावा हम आपको फ्रंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि आश्रम का जो फ्रंट है वो यहाँ से हम दाखिल होते हैं। ये आप अंदर आ गए हैं और ये फ्रंट हॉल है। जो गेट है आश्रम का वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, इसके नीचे एक बेसमेंट है और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद सामने जो एक हॉल है जो अभी लॉक है। इसको सेवादार बता रहे हैं कि इसकी चाबी इनके पास नहीं है। बाबा सूरजपाल के आश्रम को देखकर हम दंग थे। हम तीसरी आंख से आश्रम का कोना कोना खंगालना चाहते थे। हमने वो भी किया, लेकिन वो वीडियो फुटेज देखने से पहले हम बाबा के आश्रम की छत पर जाना चाहते थे। क्या पता वहाँ 2 जुलाई का कोई सबूत हो। हम बाबा के आश्रम की छत पर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यह आश्रम का जो है टॉप फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठने के लिए, सत्संग के लिए जगह बनी हुई है छत पर, और टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आश्रम है उसके आसपास जो भी भट्टे हैं, और ये आश्रम का ऊपर से आंगन है और यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और आसपास जो ये भट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बाबा के नाम से ही यहाँ पर चलते हैं। हमें पता चला कि इस आश्रम में एक तहखाना भी है, जमीन से नीचे कुछ कमरे भी हैं। तो क्या आश्रम के बेसमेंट में कुछ सुराग मिल सकता है? क्या तहखाने में बाबा की मिस्ट्री वर्ल्ड का कोई लिंक है? सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी रिपोर्टर ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। बाबा के आश्रम में एक बेसमेंट भी है। हम इस वक्त बेसमेंट में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा के जो होर्डिंग हैं, फ़ोटो लगे हुए, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, ये लिखा हुआ है। बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। और बहजोई के पास कार्यक्रम कोई हुआ था 1 अप्रैल 2013 को, उसका ये यहाँ पर बाबा का जो होर्डिंग लगे थे वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः उसके लिए ये स्टेज का सामान है। और ये पूरा एक बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर भी जो है जो सामान है आश्रम का वो रखा रहता है जब कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है, कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। तो ये आश्रम का बेसमेंट है।
यानी आश्रम का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी हमें ना तो बाबा सूरजपाल मिला, न ही 2 जुलाई के भगदड़ कांड का कोई सबूत। इसलिए अब हमने आश्रम के चप्पे चप्पे को ड्रोन से खंगालना शुरू किया। ये ड्रोन फुटेज देख रहे हैं आप। संभल में बाबा की प्रवास कुटिया का हर एंगल कैप्चर है इस ड्रोन फुटेज में। अगर वाकई बाबा यहां छिपा होता तो वो ड्रोन की नजर से नहीं बच पाता। हमने सेवादारों से बात की तो चौंकाने वाली बात पता चली। सेवादारों ने हमें बताया कि इस आश्रम में बाबा सूरजपाल 1-2 बार प्रवास करने आ चुका है, लेकिन साल 2015 से बाबा यहां आया ही नहीं। ये जो आश्रम है ये 2012 में आपने बताया बना, तो यहाँ पर कार्यक्रम कब हुआ था? 2013 में 1 महीना रहे बोले बाबा। अच्छा। हाँ। अच्छा। और फिर 2015 में रहे 8 दिन बस, जब से नहीं आए हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह रही जो इतने लंबे अरसे से नहीं आए वो यहाँ पर? वो तो भोजाना साहब, इस बात को तो हम कैसे कह दें। अच्छा, वो बता रहे थे कुछ लोग कि वो एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी? ये सब झूठ बकवास। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। कतई नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, तो और यहाँ विरोध भी कुछ नहीं है। तो हाथरस वाली घटना का आपको जानकारी मिली? हाँ, जो जानकारी भी, मैं गया नहीं था, बस क्या कुछ उसमें कुछ बोल नहीं सकता मैं। अच्छा। तो जब ये कार्यक्रम होते हैं बड़े कार्यक्रम, तो इसका खर्चा वगैरह कैसे होता है? कमेटी करती, जहाँ तक कराती था हम कराएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम कमेटी कराएगी हमारा खर्चा, चंदा कर, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो किसी का पैसा चाहे तो कुछ नहीं देते हैं। अच्छा। पान मिठाई फूल मात्रा कुछ भी नहीं है। एक बात तो साफ है, संभल के इस इलाके में ज्यादातर लोग बाबा सूरजपाल को और उसके नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। सेवादार तो बाबा की अभी भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो सेवादार नहीं है वो बाबा का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं और कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। बाबा का ये अदृश्य खौफ हमें आश्चर्य में डाल रहा था। हम बाबा के तलस्म की तह तक जाना चाहते थे। इस बीच हमें पता चला कि बाबा का एक आश्रम कानपुर में भी है। हमारी तहकीकात कानपुर की तरफ मुड़ गई। कानपुर वाले आश्रम की पड़ताल से पहले इस मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दें। देव प्रकाश मधुकर जो इस मामले में आरोपी है, उसे मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देव प्रकाश मधुकर हाथरस में जो हादसा हुआ ये उस जगह का मुख्य आयोजन करता था। और आप जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार होता है और चंद घंटों के बाद ही बाबा को मीडिया के सामने आना पड़ता है। लेकिन जो लोग बाबा को भगवान मानते थे उन लोगों की मौत हो जाती है, उस पर संवेदना व्यक्त करने के लिए बाबा को 90 घंटे का समय आखिर क्यों लग गया? यूपी पुलिस देव प्रकाश मधुकर और बाबा के रिश्तों का अतीत खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि यूपी पुलिस को लगता है कि इससे वर्तमान की पहेली बहुत हद तक सुलझ जाएगी। आखिर कैसे एक कॉन्स्टेबल से बाबा इतना बड़ा बाबा बन गया कि वो लोगों के लिए आस्था का विषय हो गया, कैसे आखिर करोड़ों लोगों के दिलों में समा गया, ये तलाशने की कोशिश करेगी यूपी पुलिस। और पुलिस को ये भी लगता है कि सारी बातें जानता है मधुकर, कि आखिर कैसे बड़े बड़े नेता आज बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। कानपुर वाले आश्रम में बाबा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, या फिर बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में ही छिपा हुआ है। हमारी स्पेशल सीरीज आश्रम का दूसरा अध्याय तिलिस्म देखिए। कानपुर के बिधनू इलाके में एक गांव है करसुई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि इस आश्रम के बाहर सुबह से कुछ हलचल देखी गई है। हम वहां पहुंचे तो माहौल संभल से बिल्कुल उलट था। वहां कुछ गाड़ियां पार्क थी, चहल पहल भी थी। गेट पर पुलिसकर्मी को देखकर हम चौंक गए। मन में सवाल उठने लगा कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है, कहीं बाबा सूरजपाल इसी आश्रम के अंदर तो नहीं, कहीं ये पुलिस बाबा की तहकीकात करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुंची। क्या वाकई बाबा सूरजपाल 2 जुलाई के बाद कानपुर भागा था? देखिए कानपुर में बाबा सूरजपाल का आश्रम कितना आलिशान है,
कितना विराट है, कितने ऊंचे गुंबद हैं, कारीगरी और नक्काशी कमाल की है। यकीन नहीं होता कि एक बाबा के पास ऐसा भी साम्राज्य है जिसका विस्तार इतना है कि ड्रोन कैमरे को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि बाबा का आश्रम जिस करसुई गांव में है वहां अगल बगल कोई दूसरी इमारत नहीं थी, यानी बाबा सूरजपाल के आश्रम को ईंट और सीमेंट से चुनौती देने वाला यहां कोई नहीं था। हमने कानपुर के आश्रम पर ड्रोन का पहरा बढ़ा दिया और ड्रोन कैमरे से आश्रम का चप्पा चप्पा कैप्चर करना शुरू कर दिया। भोले बाबा के कानपुर स्थित बिधनू के करसुई गांव में जो आश्रम बना, इसकी बाहर से आपको तस्वीरें दिखाई, ड्रोन के जरिए दिखाई, अब हम अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ तकरीबन 3 बीघे में जो है इसके पीछे तक ये आश्रम बना हुआ है। आपको बता दें जब यहाँ पे 2 बार पुलिस पहुंची है तो यहाँ पे जो सेवादार थे वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन आज ये आश्रम फिर एक बार खुला हुआ है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो और दरवाजे हैं, आगे चलेंगे और जो दरवाजे हैं वो भी फिलहाल बंद किए गए हैं। तो कहीं बंद दरवाजों के पीछे किसी सच को तो नहीं छिपाया जा रहा? क्या किसी सेवादार के पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो सामने आ गया तो बवाल मच सकता है? हम दरवाजे के पीछे जाना चाहते थे, इस आश्रम के हर कोने को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। आश्रम में जब एबीपी न्यूज की टीम एक बार फिर पहुंची तो हमने यहां पे देखा कि आज जो है गेट जरूर खुला हुआ है और कुछ लोग भी अंदर, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहां के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहां भोजन की प्रक्रिया चल रही है। इस आश्रम के सेवादार अब भी हादसे के लिए बाबा को दोषी नहीं मानते, लेकिन बहुत से सेवादार ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर पड़ा पर्दा 2 जुलाई के कांड के बाद से हट गया है। जो 1 जुलाई 2024 तक सूरजपाल को परमात्मा कहते थे, भगवान मानते थे, उनके परिजन अब इस इंसान पर बरस रहे हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं जिनकी पत्नी, माँ और बेटी इस हादसे में चली गई हैं। विनोद जी, बाबा का एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि हम महापुरुषों से कह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं तन मन धन से जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके साथ हैं, तो बाबा की तरफ से कोई सहायता, कोई लोग उनके आपके पास पहुंचे? कौन से बाबा? भोले बाबा जी, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, न कोई सहायता, न कोई कुछ नहीं। तो बाबा को आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते, कुछ भी नहीं है बाबा। अगर होता कुछ उनमें तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते। आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? हाँ, पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है। आपको डर है कि अगर आप बोलेंगे तो बाबा के लोग, बाबा के जो समर्थक हैं, वो आपके साथ कुछ हादसा कर सकते हैं? तमाम निरे हादसा है गई, निरे परिवार के परिवार गायब कर दिए जाते, हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। बाबा के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा को सबसे बड़ा झटका 5 जुलाई की रात लगा, जब बाबा का राइट हैंड कहा जाने वाला 1 लाख रुपए का इनामी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन तक मधुकर रोज बाबा के राज से पर्दा उठाएगा, बाबा और बाबा के आश्रम से जुड़ी कई मिस्ट्री डिकोड करेगा। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अचानक बाबा भी प्रकट हो गए और भगदड़ के 90 घंटे बाद मारे गए लोगों के प्रति कुछ यूं अपनी संवेदना जताई। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें बसंगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल ने मीडिया को ये बयान मैनपुरी से दिया है। मैनपुरी हाथरस से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या बाबा भगदड़ कांड के बाद सीधे मैनपुरी भागा? क्या बाबा अभी भी मैनपुरी के आश्रम में छिपा है? इन सवालों का जवाब हम भी जानना चाहते थे। मैनपुरी में बाबा का आश्रम तो है, ये भी पक्की खबर है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में जाता रहा है,
तो क्या ड्रोन कैमरे में बाबा कैप्चर हुआ? ये मैनपुरी के आश्रम की ड्रोन फुटेज है। मैनपुरी का ये आश्रम 21 बीघे में फैला है। बाबा के कुछ सेवादारों का मानना है कि इसी आश्रम में सूरजपाल अपने अनुयायियों के साथ मौजूद है। खबर ये भी है कि पुलिस ने आश्रम के पास घेरा बना लिया है, बड़े एक्शन की तैयारी है और किसी भी वक्त 2 जुलाई कांड वाले इस बाबा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। 2 जुलाई से पहले ना तो बाबा को कभी इतनी मीडिया फुटेज मिली थी और ना ही बाबा का नाम कभी इतना वायरल हुआ था, पर बावजूद इसके बाबा लाखों भक्तों का मसीहा था। बाबा ने अपने पास ब्लैक कमांडो से लेकर महिला सेवादारों की एक पूरी फौज तैयार की हुई। बाकायदा वो अपनी प्राइवेट आर्मी को एक खास कोट से हांकता था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जब बाबा के आश्रम में गए तो वहां पर इन सेवादारों और बाबा की प्राइवेट आर्मी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा राज भी खुलकर सामने आया। एबीपी न्यूज की स्पेशल सीरीज आश्रम का ये तीसरा और आखिरी अध्याय जरूर देखिए। तंत्र दो जुलाई 2024, वक्त दोपहर 1:59, जगह एटा। 40 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियां नहीं बल्कि हाथरस भगदड़ कांड के जवाब भाग रहे हैं। घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर 1:59 का और यही वो समय है जब बाबा सूरजपाल काफिले के साथ भाग रहा था, वो भी भगदड़ कांड के बाद। देखिए बाबा सूरजपाल के काफिले को। ये फरारी का प्रोटोकॉल है। बाबा का लग्जरी सिस्टम है जिसमें कम से कम 12 गाड़ियां तो साफ नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकला और महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया। तफ्तीश और सूत्र कहते हैं कि बाबा का काफिला मैनपुरी तक नॉन स्टॉप चला। घटना के दिन यानी 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन मैनपुरी वाले आश्रम में मिली है। ड्रोन से लेकर एबीपी न्यूज रिपोर्टर तक मैनपुरी आश्रम के तंत्र पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भोले बाबा का मैनपुरी में वो बैकअप रूम जिसमें उनके कार्यक्रमों का जो सामान है वो रहता था, उनके जो लोग हैं वो रहते हैं, और जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होता है मैनपुरी में तो उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो बिस्तर लगे हुए हैं ये उसी बैकअप रूम का हिस्सा है। यहाँ पर बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर बाबा के तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, एक दो नहीं, हर तरह के होर्डिंग, हर आकार के होर्डिंग। यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं, और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं।